हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ यार, शेयर कर दो, बाकी बच्चों को बुला लो, बता दो ठीक है कि क्लास अपनी हो गई है। मैं ठीक हूँ यार, ठीक है, ठीक हूँ, बट नहीं है मतलब वो मज़े वाली बात नहीं है। होता है ना एक बार कि एकदम मतलब बॉडी एक्टिव फील करते हैं ना, वो नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा दो चार दिन में ना। जब बीमार होते हो तो शरीर थोड़ा सा गड़बड़ में तो रहता ही है, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे वो क्या करता है, रिकवर करता है। चलिए, आप लोग आए नहीं हो, देखो अभी भी धीरे 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 आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी देखो 15 मिनट जा चुके हैं बट कोई आया नहीं है, ठीक है। तो रेनफॉल और इसके टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके प्रकार, वर्षा और वर्षा के प्रकार कितने टाइप की होती है। दोस्तों देखो, रेनफॉल जो है ना, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट वर्ड इज़ प्रेसिपिटेशन। सुना आपने एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ऐसे प्रेसिपिटेशन होता है, एक वर्ड होता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कई फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो होता है ना हमारा, ये प्रेसिपिटेशन बहुत सारी फॉर्म में होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इस प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं, ठीक है। हम प्रेसिपिटेशन को डिनोट करते हैं, बट प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन हम बोलेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ हम एक उसका पार्ट डिस्कस करेंगे, और वो एक पार्ट कौन सा होगा, वो एक पार्ट होगा हमारा रेनफॉल, ठीक है। जो इसकी अदर फॉर्म्स होती हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। डिस्कस करनी है अपने को, नहीं करनी वो हम बाद में देखेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनिका जायसवाल, गुड इवनिंग अरविंद, गुड इवनिंग वंदना, गायत्री, राजेश, मुकेश, मुस्कान सिंह। आज कई कल लोगों ने तुमने बड़ा गंद मचाया है, ठीक है। हाँ मैं अभी आपको तो मुस्कान में आज अच्छे तरीके से देखूंगा, ठीक है, आपको आज बहुत अच्छे तरीके से देखूंगा मैं, डोंट वरी। अगर आपका एक भी कमेंट आया है तो आपके नाम को ही परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा मैं इधर से, ठीक है। कल मुस्कान नाम से बड़ी गंद मचाई है, ठीक है, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत। आप पता नहीं आप थे या कोई और थे, बट ये मुस्कान नाम से बड़ी गंद मची है कल। कुछ भी चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते रहते हो यार, थोड़ी बहुत शर्म लाज है या नहीं है, सभी को बोल रहा हूं। अगर आज मुझे कुछ दिखा ना यार तुम्हारे चैट बॉक्स में तो फिर मैं बताता हूं। अगर तुम लोगों ने शर्म छोड़ दी है ना तो मैं भी शर्म छोड़ के ही आज तुम्हें बताऊंगा। आज लिखना तुम लोग कुछ भी, जो उल्टा सीधा लिखेगा आज सुनेगा अभी, और सही बता रहा हूं, जिंदगी में कहीं नहीं लिखेगा, इतना इतना बुरी बेइज्जती करूंगा आज मैं उसकी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग महिमा, गुड इवनिंग दीदारप्रीत कौर, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए चलिए, जो भी था मुस्कान छोड़ो, आप थे कोई और था, मैं आज देखूंगा। आप नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप थे, बट कल मुस्कान नाम से ही था। आज मैं देखता हूँ देख आज कौन करेगा, है ना। आज जिसने किया उसकी खैर नहीं है भाई, सीधी बता रहा हूँ मैं आपको। सो आज हम क्या बात करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेसिपिटेशन। हम प्रेसिपिटेशन के बारे में आपका क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है प्रेसिपिटेशन एंड ऑल दैट थिंग, ओके। चलिए, आप सभी लोग आ गए हैं, सो लेट स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सो यूपीएससी की तैयारी के अंदर में मैं चाहता हूं आप इस चीज़ को ध्यान में दें, ध्यान में रखें और इस चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ें करें। देखो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर मान के चलो ज्योग्राफी अगर आपकी समस्या है, अगर आपको लग रहा है ज्योग्राफी इज योर प्रॉब्लम, है ना, अगर ज्योग्राफी आपका प्रॉब्लम है, सो मेरे पास उसके लिए एक समाधान भी है, ठीक है। इफ़ द ज्योग्राफी इज योर प्रॉब्लम देन आई हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। मेरे पास उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन भी है। भाई ये क्या है, अगर ज्योग्राफी आपकी प्रॉब्लम है, सो वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो फॉर ज्योग्राफी दोस्तों, यू जस्ट जॉइन टू ज्योग्राफी 101 यूट्यूब चैनल। इसके बाद हमारा ये है दोस्तों सेकंड, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं ना, हट जा भाई दुबे, यूपीएससी 101 इसके ऊपर अगर आप हैं हमारे चैनल के ऊपर में, अगर आप यूपीएससी के लिए कोई क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, गुरुकुल 2.0 आपकी उस ज़रूरत को पूरा करेगा। आप जाके फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी 101 पे। उसके बाद यहाँ पर है, सो यहाँ पर है दोस्तों करंट अफेयर 101, दिस इज़ फॉर द करंट अफेयर, एंड एनसीईआरटी 101, दिस इज़ फॉर द एनसीईआरटी, ठीक है, दिस इज़ एनसीईआरटी 101 फॉर द एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी आपकी प्रॉब्लम है, सो हियर इज़ द सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, समाधान है, ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो गाइज, इन सब के लिए आपको क्या करना है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सुमित राठी सर से जुड़ना चाहते हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चारों चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यू हैव टू सब्सक्राइब
ऑल दीज चैनल्स इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद मी, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रहना तो आप ये सारे के सारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी हूँ। अनअकैडमी ऐप पे जो है मेरा नाम, यहाँ पर मेरा नाम है सुमित कुमार। तो कोई भी बच्चा मुझे यार सुमित राठी के नाम से मत ढूंढना यहाँ पर, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मी एट सुमित कुमार, सुमित कुमार नाम से मुझे फाइंड करना है आपको। यहाँ पर मैं क्विज कराऊंगा, यहाँ पर मैं स्पेशल क्लास और यहाँ पर मैं प्लस कोर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तीनों चीज़ों में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। प्लस कोर्स हमारा आ रहा है दोस्तों, आपको पता होगा प्लस कोर्स हम लेके आए हैं गुरुकुल प्लस, ठीक है। हम क्या लेके आए हैं? गुरुकुल प्लस। और गुरुकुल प्लस जो है वो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ के मेरा कोड यूज़ करिएगा सुमित10। जो बच्चा गुरुकुल का सदस्य बनना चाहता है और चाहता है मैं उसको गाइड करूँ पर्सनली, ही और शी मस्ट यूज़ द कोड सुमित10। आपको क्या यूज़ कोड यूज़ करना है? आपको कोड यूज़ करना है सुमित10। कोई भी बच्चा जिसको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन जस्ट मेल मी एट दिस sumitrathi3@gmail.com। आप ना मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपके मेल का मैं जवाब दूंगा, आपके मेल की आपकी जो क्वेरी है उसको मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। सो गुरुकुल प्लस स्टार्टिंग जो है ये 626 से हुआ था। आज क्विज पहले कर दिया हमने, आज क्विज पहले हो गई थी, ठीक है। देखते हैं, शायद अगर वो कंफर्टेबल रहता है टाइम तो हम 6 बजे ही रखेंगे यार, क्योंकि मैं यार फिर मेरे को ना बहुत लेट हो जाता है। रात में कुछ और स्टार्ट करने का प्लान है, 10 बजे के आसपास, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखते हैं उसमें, देखते हैं क्या रहता है। तो 26 तारीख से यानी कि 26th of May से यार हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। देखो ये फाइनल डेस्टिनेशन है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, अब इसमें प्रीलिम्स 21 का हो या प्रीलिम्स 22 का हो या प्रीलिम्स 2023 का हो, इनमें से कोई भी प्रीलिम्स कोर्स में आप हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत कन्फाइंड तरीके से करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द कोर्स जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे, जिसका आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ये वो कोर्स है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है रेनफॉल, वर्षा। वर्षा क्या होती है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमने बात किया था कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। मैं वर्षा का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेनफॉल। हम यहाँ पर आज जो जुड़े हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम रेनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे पहली बात, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेनफॉल। सेकंड जो चीज़ होती है हमारे पास, है ना, सेकंड जो चीज़ है, भाई क्या आ रहा है यार आज ये, जो पहली जो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ में, वो चीज क्या होगी हमारे पास? रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल। दूसरा इसके टाइप, दो चीजें बताएंगे हम आपको। तो रेनफॉल का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, टाइप कितना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेनफॉल को ना अपन 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं सर? जो पहली है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शनल रेनफॉल। हिंदी में बताऊंगा इसको क्या कहते हैं। नंबर 2 जो पे आता है मेरे पास कन्वेक्शनल रेनफॉल के बाद में, वो कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड पे जो मेरे पास आता है दोस्तों, वो आता है ओरोग्राफिक। सेकंड पे क्या आता है मेरे पास? ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास, द थर्ड वन इज द साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। सो वी हैव दीज 3 kinds of रेनफॉल। ये 3 प्रकार के वर्षा है हमारे पास। कन्वेक्शनल रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं हम संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरे नंबर पर ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतीय वर्षा। और तीसरी जो चीज है ना साइक्लोनिक, इसको हम बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा।
तीनों को मैं बहुत डिटेल से आज आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। बट बारिश के लिए ना पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बारिश के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। तो इसमें अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने बताया था रेनफॉल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। रेनफॉल में क्या होता है, बारिश में क्या होता है, पानी बरसता है ना। और पानी के लिए कॉन्सेप्ट हमें कौन सा देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा किसका, वाटर साइकिल का। पहला कॉन्सेप्ट मेरे सामने क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर आप बारिश को समझना चाहते हो दोस्तों तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला है आपके लिए क्या, आर्द्रता, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, मतलब आर्द्रता। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है किसका, वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। अगर ये दो चीजें आपने समझ ली ना तो आपको रेनफॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले समझते हैं जल चक्र का साइकिल जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से जल चक्र के साइकिल को मैं डिफाइन करता हूं। मैं मैनी टाइम्स, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। क्या बताया मैंने आपको, वाटर जो होता है ना, ठीक है, पानी को जब आप क्या दोगे भाई, पानी को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब पानी को आपने हीट दिया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, जलवाष्प में हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा कन्वर्ट, इसमें जब हम इसको प्लस डेल्टा देंगे, मतलब हीट देंगे, डेल्टा मतलब हीट, और ये कुछ 669 कैलोरी के आसपास थी। उसके बाद जब मुझे वेपर को इसमें दोबारा से कन्वर्ट करना है तो दोस्तों व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको में से ये हीट को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक आउट। आउट का मतलब क्या है, माइनस डेल्टा। तो वो दोबारा से पानी में बदल जाएगा भाई, पानी को गर्म करोगे जलवाष्प। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें ये जो कहानी हो रही है, ये कहानी क्या कहलाती है, ये कहानी कहलाती है इवेपोरेशन। ये कहानी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, ठीक है। ये क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए वी नीड हीट, जो हम हीट देंगे किसको, पानी को, और इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे इसको, लेटेंट हीट, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये जो हीट हम देते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जब पानी दोबारा से जल में बदलेगा, इस केस में, इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को बोलते हैं प्यारे बच्चों कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब होगा हमारे पास क्या, कंडेंसेशन का मतलब होगा हमारे पास व्हाट, ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब हमारे पास क्या होगा, कंडेंसेशन हेयर मींस संघनन, हिंदी भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, संघनन। और जब हम संघनन कराते हैं तो हीट रिलीज होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गया, जब मैं पानी को गर्म करके भाप में बदलूंगा तो मेरे पास किसकी जरूरत होगी, मुझे हीट की आवश्यकता होगी जो मुझे उस पानी को सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब भाप वापिस से दोबारा से किस में बदलेगा, जलवाष्प में बदलेगा, जल में बदलेगा, तो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया एक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। ये पहली प्रोसेस है, पहली प्रक्रिया है जो आप समझ गए। दूसरा प्रोसेस है प्यारे बच्चों ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी में कितने प्रकार होते हैं, ह्यूमिडिटी होती क्या है, मैंने आपको बताया था एयर के अंदर में जितना वेपर है, वेपर कहां से आएगा सर, वेपर ऐसे आएगा, हवा के अंदर में जितना वेपर घुल जाएगा उसी को फिर हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। हवा के अंदर उपस्थित वेपर की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता। प्यारे बच्चों इस आर्द्रता को मापने के आधार पर, मापन के आधार पर, इस आर्द्रता आ गई मेरे पास, ह्यूमिडिटी आ गई। अब मैं कैसे इसको मीजर तो करूंगा ना, इसके मीजरमेंट यानी कि मापन के आधार पर,
इसके मापन के आधार पर, इसके मेजरमेंट के आधार पर मैं इसको क्या करूंगा, तीन भागों के अंदर में डिवाइड करूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू द थ्री डिफरेंट भाग, मैं इसको तीन अलग अलग भागों में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा ह्यूमिडिटी को। कौन सा होगा? पहला जो होगा ना दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरा जो होगा ना उसको हम बोलेंगे आपका, ठीक है, रिलेटिव नहीं होगा, पहला होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, है ना। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरा जो है ना मेरे पास उसको हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का हो गया मेरे पास, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसमें ना भाई साहब फर्क पता क्या होता है, सिर्फ मेजरमेंट का आधार बदलता है। जैसे जब मैं मापता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, तो अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से। मैंने आपको बताया था मेरे पास कमरा है और कमरे में क्या है, हवा है ना, हवा। इस हवा के अंदर में कितना जलवाष्प उपस्थित है, उसको मापने के कई तरीके हैं। एक तरीका कौन सा है, एक तरीका है जिसमें मैं मापूंगा किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। पहला मैं वॉल्यूम में माप सकता हूं, वॉल्यूम। दूसरा जो मैं मापूंगा ना, द वॉल्यूम में मापूंगा आयतन, हिंदी में लिखेंगे आयतन। जब मैं स्पेसिफिक हीट इसमें मापूंगा, तो इसमें मैं किसमें मापूंगा, वेट। वेट का मतलब क्या है, भार। और जब मैं इसमें मापूंगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसमें मैं क्या मांगूंगा, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब आप लोग जानते हो। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परिभाषा क्या बनती है, आपको बता चुका हूं मैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू क्या, हमने बताया आपको सर, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय क्या, इट इज डिवाइडेड बाय द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, गुणा में 100। ये हमेशा आपका किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। यहां से मुझे दो बातें समझ में आई, क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम देखें, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ऊपर वाले के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और नीचे वाले के इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं पहले भी दे चुका हूं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, आप भी समझना मेरी बात को, ठीक है, कोशिश करना समझने की। मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलो मेरे पास इस कमरे में हवा है, मैं कमरे में खड़ा हूं, आप भी बैठे होंगे। एग्जाम्पल लो आपका, इस कमरे में जो वास्तविक ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, मान के चलते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब समझते हो ना, हवा में कितनी पानी है। मैं मान लेता हूं आपका जो कमरा है उसमें 25 लीटर पानी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 50 लीटर है, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100, 50, 1, 50 दो पे गया और 2 50, कितना आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका, 50% आ गया। समझना मेरी बात, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आ गया आपका, 50%, ठीक है। कितना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर मैं इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा के कितना करना चाहता हूं, सपोज मैं इसको 100 करना चाहता हूं, सपोज आई वांट टू इंक्रीज दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा हमें, मैथ के हिसाब से सोचो। अगर मुझे इस इक्वेशन में आर एच बराबर में कितना करना है, मुझे 100 करना है, या तो ऊपर वाले को बढ़ाओ या नीचे वाले को घटाओ। और मैंने बताया था कि इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तभी इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कब करता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज कब करता है, इंक्रीज ये तभी करता है जब आपका इवेपोरेशन होता है, जब फ्रेश इवेपोरेशन होता है। और जब इवेपोरेशन होता है ना, तो फिर बारिश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होने लगता है। तो ये केस हम नहीं लेंगे, हम ये केस लेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। हम नीचे वाले को घटाएंगे, नीचे वाले को कैसे घटाओगे बताओ, ठीक है, नीचे वाले को कैसे घटाओगे, नीचे वाले को घटाएंगे सर हम ऐसे, क्योंकि हमें ना कुछ कानून पहले से पता है, आपने कुछ बताया हुआ है पहले। क्या बताया मैंने आपको बताया है कि दिस ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो मेरे पास, ये ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी, आप ये वर्ड देख रहे हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है।
ये हवा के तापमान से क्या है, सीधा सीधा इसका संबंध है। टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, अगेन दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ द एयर। ऑल्टीट्यूड बोले तो क्या, ऊंचाई। बस यही तो था, यही तो करना था मुझे। ऑल्टीट्यूड मुझे पता चल गया, मुझे एक रिलेशन पता चल गई। अब मुझे करना क्या है प्यारे बच्चों, मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करना है, इंक्रीज। अगर मैं चाहता हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो, ध्यान से समझना, इफ आई वॉन्ट कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो, देन वी हैव टू डिक्रीज द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एंड वेन वी हैव टू डिक्रीज द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तापमान को घटाना पड़ेगा। और जब मैं तापमान को घटाना है तो मुझे हाइट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो हवा इस कमरे में प्रेजेंट है, अगर मैं उसकी हाइट को उठाने लग जाऊं, मैं हाइट ऊपर बढ़ा दूं, तो हाइट ऊपर बढ़ाते ही क्या होगा, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी। कैसे बढ़ने लगेगी, चलिए बात कर लेते हैं। कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, ऊपर ले गया मैं इसको थोड़ा और ऊपर, तो कैपेसिटी घटेगी। जैसे हाइट बढ़ाऊंगा मैं, ये हवा अभी यहां है, मैं इसको ऊपर ले गया हाइट पे, मैं हवा को उठा गया ऊपर, उठाई हाइट पे मैंने हवा को ऊपर ले गया, तो क्या होगा बताओ। ऊपर ले गया तो वास्तविकता तो उतना ही रहेगा, एब्सोल्यूट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ऊपर जैसे ही जाएगा हाइट बढ़ेगा, तापमान घटेगा, तापमान घटेगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी, ये घटेगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो मुझे क्या पता चला भाई, ये होते ही कैपेसिटी घटेगी। कैपेसिटी कितनी घटेगी, मान लो 40 हो गई, ठीक है, गुणा में 100, अभी भी 100 तो नहीं आया, और ऊपर ले गया मैं 25, ये और घट जाएगा 30 आ जाएगा, गुणा में 100, अभी भी 100 नहीं हुआ, मैं और ऊपर ले गया तो क्या हुआ, 25/25 कैपेसिटी घट जाएगी। मतलब आप जितना ऊपर उठाओगे ना, उतनी ही कैपेसिटी क्या होगी, घट जाएगी। और एक एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%, जहां पर ये हो जाएगा ना, व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%, ये पॉइंट जो होगा याद रखना। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि हवा क्या हो गई है, सैचुरेट, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब हो गया संतृप्त होना, हवा संतृप्त हो गई। और हवा का संतृप्त होना क्या कहलाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे होता है, जिस तापमान पे होता है उसको हम बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ओशांक। क्या बोलते हैं, ओशांक। अब ये एक सारी बातें एक दूसरे से आपस में क्या है, दे आर द इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। क्या पहली बात, क्या सैचुरेशन, सैचुरेशन कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है बताओ, ये कनेक्टेड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। सैचुरेशन से एक चीज और भी कनेक्टेड है, क्या इससे कनेक्टेड है आपका ड्यू पॉइंट, है ना। अब ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सैचुरेशन किसको बोलोगे आप प्यारे बच्चों, सैचुरेशन आप बोलोगे, सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर हो गया ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के। और ये जिस टेम्परेचर पर होता है, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, उस टेम्परेचर को बोल दिया मैंने ड्यू पॉइंट। और ये होता कब है, ये होता तब है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100% होती है, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% से क्या करूं, मैं और बढ़ा दूं, कैसे बढ़ाएंगे सर, हवा यहां पर है, मैं हवा को सपोज और थोड़ा सा ऊपर उठा दूं, तो और ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, 25/50 अगर मैं हल्का सा और ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैंने हवा को थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया बच्चों, तो क्या होगा, फिर होगा क्या, शिट यार, आ गया, कौन सा ये है, ऊपर ले गया मैं, कैपेसिटी और घटेगी, कैपेसिटी घटेगी तो कैसे हो जाएगी, मैं और ऊपर ले गया उसको, तो यहां से क्या होगा, 25/ में नीचे कितना था मेरे पास, 30 था, और ऊपर ले गया, अब 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 100%, वैल्यू क्या होगी, 100% से ज्यादा। तो जब वैल्यू 100% से ज्यादा आएगी किसकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 100%, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस हवा को बोलेंगे हम ओवर सैचुरेशन। क्या बोलेंगे इसको, ओवर सैचुरेशन। बस मुझे ओवर सैचुरेशन पढ़ना है, ठीक है, मुझे क्या पढ़ना है, ओवर सैचुरेशन, कि जब हवा ओवर सैचुरेट हो जाएगी, ओवर सैचुरेशन, ये कब होगी, ओवर सैचुरेशन तब होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 100%। और जैसे ये हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, बस वैसे ही क्या होगा, रेनफॉल। तो मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई रेनफॉल के लिए, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से एक बात समझ में आई बारिश के लिए, और वो क्या, अगर रेनफॉल चाहिए, अगर वर्षा चाहिए,
अगर मुझे बारिश चाहिए तो मुझे दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, पहला और दूसरा। पहला क्या? मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 या 100 से क्या चाहिएगी, ज्यादा। 100 भी कह दो, 100% से ज्यादा भी बोल दो। हमें हवा, एयर मस्ट बी सैचुरेट, हमें हवा सैचुरेशन पे चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन सब के लिए जरूरी क्या है, विंड का या एयर का क्या करना दोस्तों, असेंड करना, मतलब हवा का ऊपर उठना, ये बहुत जरूरी है, हवा का ऊपर उठना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ऊपर उठते समय हवा के पास में मॉइस्चर होना चाहिए, तो मॉइस्ट एयर होनी चाहिए मेरे पास, आर्द्र हवा होनी चाहिए, हवा के पास मॉइस्चर भी तो होना चाहिए। और हवा अगर ऊपर उठेगी तो तीसरी बात ये भी मान लो, वहां पर क्या होगा, प्रेशर मस्ट बी लो। अगर ये तीन कंडीशन है तो बारिश हो जाएगी, अगर ये तीन कंडीशन है तो बारिश हो जाएगी, अदरवाइज बारिश नहीं होगी, ठीक है, अगर नहीं है तो बारिश नहीं होगी, ठीक। कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, प्रगति शर्मा कहाँ से आए हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो क्या आप? हैं भाई, प्रगति शर्मा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हैं क्या आप? एयर विल एक्सपेंड नॉट ड्यू टू द एक्सपेंशन, कोरियोलिस फोर्स विल बी लेस एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज, देन ह्यूमिडिटी डिक्रीज। भाई साहब, कहाँ से पढ़ के आई हैं आप? हैं प्रगति, प्रगति के पथ पे हैं आप? कहाँ से पढ़ के आई हैं बता दीजिए, बाकी बच्चों को भी भिजवा देता हूँ वहीं पे मैं। कहाँ से पढ़ा है? यूनिवर्सिटी ऑफ होनोलुलु से तो नहीं पढ़ा आपने? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम लुल है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स घुसा दिया आपने, मतलब कुछ सब कुछ एक जगह घुसा दिया और ऊपर से मेरी बात को भी काट रही हैं आप, है ना, कि ये गलत पढ़ा रहा है मास्टर। बताओ, आपके वहाँ भेज देते हैं या ट्यूशन व्यूशन, मैं भी लेने आ जाता हूँ ट्यूशन, बताइए। एसएससी क्रिएशन, थैंक यू यार। नहीं, कई बार कभी कभी भी कभी कभी हंसना भी बन जाता है, हंसना इसलिए बन जाता है जब आपको कोई ज्ञान दे और वो ज्ञान गलत हो, ठीक है। प्रगति जी का कहना है कि आप गलत हैं, सही जो जवाब है वो ये है, ठीक है, तो इसलिए उनको बताना ज़रूरी है कि उनका कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा पुल्टा है। पीके की याद दिला दी इनके इस जवाब ने। कई बार क्या होता है ना, अधूरी नॉलेज खराब होती है, सॉरी, नॉलेज ना होना खराब है लेकिन अधूरा ज्ञान उससे भी खराब है। अगर दो चार बच्चे इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते तो ये उनका प्रगति के पथ पे पहुंचा देती है अभी उनको। अभी बताओ बताओ, कोरियोलिस फोर्स से इन्होंने हवा पे ठंडा वंडा करके बारिश वारिश करा दी। नहीं प्रगति, बात सही है, मैंने गलत तो नहीं कहा अरे बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग ये मत किया करो, बेचारे दूसरे लोगों पर प्रेशर मत बनाओ, ठीक है। एक बात थी वो हमने बस ऐसे बता दी कि वो गलत चीज़ है, तो इसमें बेइज्जती थोड़ी ना करना है। घर वाले तुम कोई गलती करते हो उसको ठीक कर देते हैं तो बेइज्जती होती है क्या? कमाल करते हो यार, ये बेइज्जती थोड़ी ना है, इट्स नॉट बेइज्जती यार। तुम्हें अगर बेइज्जती लगती है ना, अगर किसी को बेइज्जती लगती है तो फिर वो पढ़ाई वढ़ाई मत करो यार। कोई बात नहीं प्रगति, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। बट मैं ऐसा नहीं है, भगवान कसम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई इंसल्ट करना चाहता था, नहीं,
ठीक है, वो जब आ जाता है, कई बार स्कूल में भी तो होता है ना ऐसे, टीचर कह देता है यार मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ ना, हंसी मजाक मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपका मतलब बेइज्जती करूँ, ट्रस्ट मी डोंट, बिल्कुल भी मेरा इस प्रकार का इंटेंशन नहीं था, बट वो बोला तो बस दैट इज़ वो उस मोमेंट मैंने कह दिया, बट मेरे मन में ऐसा कोई बेइज्जती या ऐसा कोई भाव नहीं है, हीन भाव नहीं है। सो चलिए ये बात समझ में आई आपको। अब देखो, बारिश के लिए ज़रूरी है हवा का ऊपर उठना, ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और आज ना मैं इसी का अचार बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसी से क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं इसी से आज अचार बनाने वाला हूँ, इसी का मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ आज, और इसका यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करके आज हम झंडे गाड़ेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करके। क्यों भाई? क्योंकि इसका यूज आज हम करेंगे किसके लिए दोस्तों, टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़ने के लिए, बारिश के प्रकार पढ़ने के लिए, ठीक है। यार इतना ईगो पे नहीं लेते किसी बात को, हंसी बेइज्जती ऐसा नहीं लेते। पहले के टाइम पे पता है, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, जब पुराने राजा महाराजा होते थे ना, ये जैसे कौरव थे पांडव थे, तो राजकुमार थे ना, जब ये किसी आश्रम में शिक्षा लेने जाते थे ना, भगवान राम लक्ष्मण जी ये जब आश्रम में जब शिक्षा लेने जाते थे, इनको एक साधारण जीवन जीना पड़ता था, धरती में सोना पड़ता था, ठीक है, भिक्षा मंगवाई जाती थी, भीख मंगवाने, पता राजा का बेटा है राजकुमार है लेकिन भीख मांगता था, वो क्यों, वो शिक्षा थी ही ऐसी, क्योंकि जिसमें अहंकार होता है वहाँ शिक्षा का स्थान नहीं होता। अगर आपके अंदर अहम है ना, अहम है, अहंकार है, तो आपके अंदर में शिक्षा नहीं आ सकती, आप बुद्धिमान कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। शिक्षा आपके जीवन में कोई रोल प्ले नहीं करती, अगर आपको किसी चीज़ से अहम हो रखा है या आपको कोई बेइज्जती और इंसल्ट फील हो जाती है, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको अहम को त्यागना पड़ता है, अहंकार को मारना पड़ता है, अपना जो वो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको तुम ईगो बोलते हो उसको किल करना पड़ता है। पुराने टाइम पे ना राजकुमार जो होते थे, पहले शिक्षा बाद में शुरू होती थी, पहले उनसे भीख मंगवाया करते हैं, क्योंकि जब भीख मांगेंगे ना तो उनका वो जो घमंड है वो हट जाएगा, वो जो ईगो है ना, अहंकार जो है कि मैं राजकुमार हूँ और भाई मेरी बेइज्जती मेरा इज्जत, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज आप सीखने से पहले क्या करो, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। और यार देखो, मेरे को की बेइज्जती वेज्जती मेरे को क्या मिलेगा, किसी की बेइज्जती मैं क्यों करूंगा भाई, है ना, बताओ क्यों करूंगा, मेरे घर से खा रहा है, कुछ कर रहा है क्या, अपना पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है, बढ़िया मस्त, वो तो ठीक है, ऐसे आया तो ह्यूमर में मैंने बोल दिया, ठीक है, एक ह्यूमर भी होता, अगर मैं ऐसे ना करूँगा तुम्हारी क्लास बोरिंग हो जाएगी, चलो ठीक है अब ख़त्म करो, ऐसा कुछ है नहीं, मैं इस पर सफाई भी क्यों दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस हवा के ऊपर उठने के आधार पर ना मैं बारिश को तीन भागों में बांटूंगा, कितने भागों में बांटूंगा, तीन भागों में, कौन कौन से भाग हैं उन्हीं को बता रहा हूँ मैं, कितने भागों में बांटेंगे बारिश को, विल डिवाइड द बारिश इनटू द थ्री डिफरेंट पार्ट, कौन कौन से हैं दोस्तों, तीन भागों में मैं बारिश को बांटूंगा, जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना बारिश को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शन बारिश, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर ये ऑर्गेनिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल, वन बाय वन करके पढ़े इनको, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, ठीक है, पहले बात करेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, व्हाट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो सबसे पहले मेरे पास आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनमें मैं पीपीटी नहीं रखता हूँ, क्यों नहीं रखता हूँ पता है, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है ना वो लाइव टॉपिक होते हैं, जैसे ये जो है ना एक लाइव टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर पीपीटी से कराया तो इसकी जान खत्म हो जाएगी इस टॉपिक में, तो इसीलिए। अच्छा, कन्वेक्शनल रेनफॉल अगर आपको समझना है ना प्यारे बच्चों, तो पहले आपको कन्वेक्शन समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कन्वेक्शन, संवहन क्या होता है, संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, चलो मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो,
देखो ये मेरे पास क्या है, धरती माता, ये अपनी क्या है, धरती माता है, ठीक है, कैसी है, बढ़िया है ना, तो कितनी बढ़िया है, ये अपनी क्या है, धरती माता, इसको हम बोल रहे हैं सरफेस। इसके ऊपर अगर हम बात करें, ये सूरज चच्चा है, सन, लाइट दे रहे हैं ऊपर से, है ना, एकदम चिलमचिल लाइट दे रहे हैं, बढ़िया, ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट आएगी पृथ्वी तक, तो जो मात्रा में लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। जो सरफेस तक इंसोलेशन पहुंचती है, मान लेते हैं सपोज कुछ भी परसेंट पहुंचा, तो जो इंसोलेशन होता है उसको ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। मैंने पढ़ा रखा है इंसोलेशन और हीट बजट, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित, ये उसको क्या कर लेगी, अवशोषित, अवशोषित कर ली। अब अवशोषित करने के बाद में ये क्या हो जाएगी, सरफेस क्या हो जाएगी आपका, इट बिकम वार्म, वार्म होगी। तो जो हवा प्यारे बच्चों इसके साथ में लग रही होगी, जो हवा इसके साथ में अटैच्ड होगी, जो कांटेक्ट में होगी, बताओ वो हवा क्या होगी, जो हवा इसके टच है वो हवा क्या हो जाएगी दोस्तों, गर्म। क्यों हो जाएगी गर्म बताओ, क्यों हो जाएगी गर्म, क्योंकि इससे टच है ना भाई। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कंडक्शन। मैं कई बार बता चुका हूं तुम्हें, कंडक्शन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संचालन। अब तो ना तोते के भी रट गया होगा ये सब। गर्म हवा की टेंडेंसी होती है क्या, गर्म हवा जो होती है, जैसे ही गर्म होती है हवा, गर्म होकर क्या करती है, ऊपर उठती है। नीचे गर्म होगी हवा, क्यों गर्म होगी पता चल गया। आप बताओ मुझे ऊपर कैसी हवा उपस्थित होगी यहाँ पर, भाई ऊपर तो ठंडी होगी ना हवा, क्यों, क्योंकि हवा गर्म होने का सोर्स क्या है आपका, पृथ्वी। हवा हमेशा पृथ्वी से गर्म होती है, कभी ऊपर से गर्म नहीं होती, हवा हमेशा कहाँ से गर्म होती है, पृथ्वी से। तो ये मेरे पास क्या थी दोस्तों, दिस इज कूल एयर, ये ठंडी हवा है, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज वार्म एयर, गर्म हवा है। अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों ये कूल है, ये वार्म है, अब हमें पता चल गया कि जो गर्म हवा है ना ये क्या करेगी, इट विल राइज, ये राइज करेगी। सो ये गर्म हवा है ना, ये क्या करने लगी, हल्की होके ऊपर उठेगी, और इसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आएगी, यही तो होगा, हाँ या ना भाई, गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी। अब ये जो बह रहा है इसको, इसको बोलते हैं धारा, इसको बोलेंगे हम संवहन ये धारा, क्या बोलेंगे, संवहन ये धारा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कन्वेक्शन करंट। करंट कुछ नहीं होता, धारा को बोलते हैं, जब भी कोई चीज एक निश्चित दिशा में बहने लगे उसको हम क्या कहते हैं, धारा। ये जो पूरा चक्र बन रहा है आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल, इसको हम बोलते हैं संवहनीय धारा। अब आप कहोगे ठीक है सर, संवहनीय धारा पढ़ा दिया, ठीक है फाइन, लेकिन एक बात बताओ, इस संवहनीय धारा से हमारे इसका क्या मतलब है, टॉपिक का क्या मतलब है, आप ये बताओ, हमारा जो टॉपिक है इसमें इसका क्या रोल है वो बताइए हमें तो, ठीक है, आपने पढ़ा दिया हमें, हमने आपकी बात को मान लिया, बट हमें एक बात बताओ इससे हमारा क्या लेना देना उसका, ठीक है। आप कहोगे सर हमारा जो टॉपिक है उसका क्या लेना देना, तो अब मैं आपको टॉपिक का बताऊंगा। ये कन्वेक्शन समझ में आ गया आपको, जल्दी बताओ कन्वेक्शन समझ में आ गया कि नहीं, यस और नॉट, जल्दी बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई, प्रगति चिल, कोई बात नहीं छोड़ दो, मैंने क्या बोला छोड़ दो इनको, ठीक है, यहाँ कुछ लोगों का काम ही ऐसा होगा, वो ऐसा ही करेंगे, और इस बात को क्यों इतना खींच रहे हो रबड़ की तरह, आप छोड़ दो ना, आप बोलो ही मत, कोई रिएक्शन ही मत दो, ये डेली का हो गया है, मत करो, बाढ़ में जान दो, चुप, आराम से पढ़ाई करो यार, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है, आराम से पढ़ाई करो। अब आते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल पे, संवहनीय वर्षा पे, ये तो हमने पढ़ लिया, अब इससे वर्षा कैसे होगी। अभी मैंने आपको बताया था वर्षा के लिए जरूरी है हवा का ऊपर उठना, हवा का ऊपर उठना, याद है ना थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि हवा ऊपर उठेगी तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो कैपेसिटी घटेगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तभी क्या होती है, वर्षा होती है, तभी बारिश होती है, ठीक है। तो बस पता चल गया मुझे, अभी हवा जो ऊपर उठ रही है ना, देखो देख रहे हो ना,
हवा क्या कर रही है, ऊपर ही तो उठ रही है ऐसे, तो बस इसी ऊपर उठती हुई हवा से बारिश होगी। कैसे होगी बस उसी को मैं बताऊंगा, बस पहले मुझे एक डायग्राम बनाने दीजिए, एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, एक डायग्राम से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली। हम इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, बस आप ध्यान से देखना, ठीक है, बने रहना मेरे साथ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा कैसे नहीं। ठीक है, ये सरफेस है मेरे पास, पानी है, एक बार मैं बना लूँ डायग्राम फिर करेंगे इसको, तब तक बात बात कर लो आराम से। ठीक है, देखो भाई
ध्यान से देखना और समझना इसको, ठीक है? अभी एनसीईआरटी का और लेके आएंगे, ठीक है? एनसीईआरटी का करेंगे क्रिएशन, सैक क्रिएशन करेंगे अभी, ठीक है? एनसीईआरटी भी करेंगे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना मेरी बात। संवहन के अंदर क्या होता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है ना, तो ये जो ऊपर उठने वाला भाग है ना मेरे पास, ठीक है, ये जो ऊपर उठने वाला भाग है, ये जो ऊपर उठने वाला भाग है, बस इसको मैं यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है? ये जो ऊपर उठने वाला भाग है ना, ये जो ऊपर उठने वाला भाग है, जो हवा ऊपर उठ रही है, इस भाग को मैंने यहां दिखा दिया, हवा ऊपर उठ रही है। अब हवा ऊपर उठ रही है कैसे, देखो, वार्म सरफेस थी, गर्म सतह थी, सतह गर्म थी क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? इसने क्या हुआ, किया हुआ था, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, और अवशोषण के बाद में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, कंडक्शन, और कंडक्शन मतलब संचालन, संचालन की वजह से हवा गर्म होके ऊपर उठने लगी। ऊपर उठेगी उसका मतलब क्या है, ऊपर उठने का मतलब है प्रेशर डिक्रीज होना, प्रेशर डिक्रीज होगा तो हवा फैलने लग जाएगी, एयर एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब फैलना, हवा फैलने लग जाएगी, हवा फैलेगी ऊपर जाएगी, हवा ऊपर ही जा रही है, ऊपर जाएगी तो अब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हवा ठंडी हो जाएगी, एयर कूलिंग, ठंडा होना। अब जैसे ही हवा ठंडी होगी तो आपको पता है प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे भयंकर बदलाव होता है जैसे ही हवा ठंडी होती है ना, हवा ठंडी होते ही कैपेसिटी क्या होने लगती है, कैपेसिटी आपका डिक्रीज। और प्यारे बच्चों जैसे ही कैपेसिटी डिक्रीज होगी हमारी, क्योंकि हवा ठंडी हो रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करने लगेगी, इंक्रीज। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%, तो हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेट, संतृप्त, इसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त होना। मतलब संतृप्त होने का मतलब क्या है पता है ना आपको, जितना हवा को नमी चाहिए उतना है, जितनी हवा की कैपेसिटी उतना नमी है। उसके बाद में अगर हवा को आपने और संतृप्त किया तो अब कंडेंसेशन होने लग जाएगा। कंडेंसेशन मतलब संघनन, इसका मतलब वेपर विल अगेन स्टार्ट टू कन्वर्ट इन टू द वॉटर, ठीक है? इससे क्या बनेगी, ड्रॉप्स, और ड्रॉप्स जब इकट्ठी होंगी बूंद, तो उनसे क्या बनेगा, बादल, और बादल बनके क्या होगा भाई, झमाझम वर्षा। जैसे ही बादल बनेगा, टिप टिप बरसा पानी, और पानी में आग लगी, ठीक है? सो बारिश हो जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, बारिश हो जाएगी। सो दिस इज द रेनफॉल, ऐसे बारिश होगी यहाँ पे। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, आराम से समझो। हवा ऊपर उठी, गर्म होगी, ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटेगी तो तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, तापमान घटेगा, कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, हवा सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त, संतृप्त जब ज्यादा संतृप्त करोगे, ओवर सैचुरेट करोगे, ओवर सैचुरेशन से कंडेंसेशन विल टेक प्लेस एंड इट रिजल्ट्स इन द रेनफॉल। बारिश जो होती है वो इससे होगी। दो ही बारिश है, वर्षा वाले दो ही बादल हैं, तो होता है क्यूमलो निम्बस और एक होता है निम्बो स्ट्रेटस। अब एक क्लाउड नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्लाउड मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में पढ़ा जाता है, सिर्फ ऑप्शनल के अंदर में, क्लाउड से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, और क्लाउड बहुत दिमाग जैसे इतना आसान नहीं है। इसके बाद जो बारिश बनना है उसमें भी तीन मॉडल होते हैं, अलग अलग डिफरेंट तीन मॉडल होते हैं, बट कोई काम के नहीं है वो। इसमें जब ज्योग्राफी मेंस के लिए पढ़ते हैं, ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं ना, तो वो काम के हैं, ठीक है? तीन अलग अलग मॉडल होते हैं रेनफॉल के, वो हमें इसमें करने होते हैं, बट यहां पर देयर ऑफ नॉट यूज। सो ये बारिश जो होगी ना, ये कंडेंसेशन से होगी, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसलिए हम इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। आपको क्या लगता है, ये जो संवहनीय वर्षा हुई है ये कहां होती होगी, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा, बताओ क्या लगता है आपको, संवहनीय वर्षा के लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट रही होगी, ठीक है? बताओ मुझे, बताओ भाई, जब हम संवहनीय वर्षा की बात करते हैं, सो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द थिंग विच मैटर मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी रही होगी, बताइए कहां पर होगी, मतलब ये बारिश, बारिश के लिए जरूरी क्या है, बारिश के लिए, इस प्रकार की बारिश के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है ना, मेन फैक्टर, वो मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर है टेम्परेचर। ये बारिश वहां होगी जहां तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक कहां होता है दोस्तों, इक्वेटर पे। तापमान कहां अधिक होता है, इक्वेटर पे। इसीलिए इस प्रकार की जो बारिश है, ठीक है, वो कहां होगी, वैसे बारिश कराने का आजकल ठेका किसने ले रखा है, दो लोगों ने, मैंने बताया था ना, एक तो बी पराग ने, और दूसरा किसने, अरे दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, जैसे इनके बाप के बादल हैं, है कि नहीं,
बारिश करवा दो भाई। ठीक है, पर कह रहे हैं तो करवा दो, क्या दिक्कत है, आजकल ठेका इन्होंने ले रखा है। सो बारिश के लिए आजकल दो फैक्टर जरूरी हैं, बी पराग और दूसरा क्या है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बट यहाँ पर दो फैक्टर कौन से चाहिए हमें, यहाँ पर मेन फैक्टर अगर आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल वो वाली बारिश के लिए वो दोनों ज़रूरी हैं। इस वाली बारिश के लिए ज़रूरी कौन है, इस वाली बारिश के लिए ज़रूरी है तापमान, क्योंकि जब तापमान होगा ना तभी तो हवा गर्म होके ऊपर उठेगी, तभी तो फैलेगी, तभी तो सारा कार्यक्रम बनेगा। सो इसीलिए प्यारे बच्चों याद रखना, ये बारिश आपकी कहाँ होती है, दिस रेनफॉल विल टेक प्लेस ऑन द इक्वेटर इक्विटोरियल एरिया, ये इक्वेटर के आसपास होती है, डेली होती है, बहुत भारी मात्रा में होती है, इसीलिए इस बारिश को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल रेनफॉल भी कह देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बताइए कौन सी वर्षा है जिसको हम भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, आपसे सवाल आ सकता है कौन सी बारिश है जिसको हम भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहते हैं। सो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी बारिश, आप बताओगे सर कन्वेक्शनल बारिश है, वो तो कन्वेक्शनल रेनफॉल है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल का कॉन्सेप्ट होता है पूरा, दिस इज द फर्स्ट रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगली बारिश कौन सी, ओरोग्राफिक। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम, बस पता नहीं लोग कैसे कैसे करके कैसे कैसे पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट तीनों रेनफॉल खत्म, एक वर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओरोग्राफिक भाई, ओरोग्राफी जब भी हम बोलते हैं ना इसका मतलब होगा पर्वतीय वर्षा, क्या होगा इसका मतलब, पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें पर्वत के ऊपर होती है तो इसलिए इसको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, ध्यान से देखना। ये है मेरे पास पर्वत, ठीक है, ऐसा ही मान लो पर्वत टेढ़ा मेढ़ा है, बट मान लो यहां पे भरा है पानी, यहां पे क्या है, पानी भरा है। अब यहां पे अगर पानी भरा है ठीक है, ये पहाड़ है, ये हवा ऊपर चढ़ रही है, ऐसे हवा आई, ठीक है, हवा ऐसे आ रही, डिंग 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 डिंग, यहाँ आई, अब पहाड़ आ गया, अब हवा क्या करेगी, आप चल रहे हो, ठीक है, पहाड़ आ गया, आप क्या करोगे, रुक जाओगे यार, ठीक है, लेकिन हवा रुक नहीं सकती भाई, हवा को तो चलना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हवा लो प्रेशर, हाई प्रेशर से किधर जा रही है, लो प्रेशर। तो हवा जब बीच में पर्वत आएगा तो क्या होगा, एयर विल स्टार्ट असेंडिंग, हवा इसमें उठने लग जाएगी, और जब हवा उठेगी तो क्या होगा,
भाई जितना बाहर है वो छोड़ देगी, वो बाहर मतलब उसमें जो वेपर है, तो वेपर से बारिश करा देगी। तो बेसिकली इसमें भी क्या हो रहा, देखो हवा जैसे ही पर्वत आया, पर्वत अब हवा वापस नहीं जा सकती कि टकरा के आज पर्वत है कल आऊंगी पर्वत नहीं होगा, ऐसा नहीं होना। हवा क्या करेगी, जैसे पर्वत आया, हवा कभी चुनौतियों से डरती नहीं है कि कुछ ही समझ नहीं आ रही तो छोड़ दें, कुछ नहीं हो रहा छोड़ दें। एयर विल स्टार्ट असेंडिंग, हवा इसके साथ साथ ऊपर चढ़ने लग जाएगी। हवा क्या करेगी, इसके साथ साथ ऊपर उठने लग जाएगी। अब ऊपर उठने पे याद करो मैंने क्या बोला था, जब जब हवा ऊपर उठेगी तब तब क्या होगा, वर्षा, बारिश, रेनफॉल। तो यहाँ पे रेनफॉल अब कैसे होगी वो कॉन्सेप्ट आप देखिए मेरे साथ। हवा ऊपर उठ रही है, अब ऊपर उठते टाइम क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, आप बताइए क्या क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले अगर हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो हवा क्या करेगी आपका, सबसे पहला तो एयर एक्सपेंड कर रही है, और जब एयर एक्सपेंड करती है तो उसका मतलब क्या है, उसका प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो थोड़ी देर के बाद में क्या करेगा आपका, ऊपर जाएगी हवा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हवा क्या हो रही है, ठंडी, एयर कूलिंग। जब हवा ठंडी होगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जब हवा ठंडी हो रही है तो कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेट, सैचुरेशन, सेम पॉइंट है। सैचुरेशन होके हवा कंडेंस होने लगेगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, और जब कंडेंसेशन हो जाएगा दोस्तों तो उसी से हो जाएगा क्या, प्रेसिपिटेशन, बारिश, बादल बन के झमाझम बारिश। लेकिन जो बारिश होगी ना, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो बारिश जो है वो इधर ही होगी, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली बारिश है वो वहीं होगी, बाल्टी से पानी डाल रहे हो और कुछ नहीं है, पिचकारी मार रहे हैं और कुछ नहीं, इधर से बारिश हो रही है, इसी इस हिस्से में बारिश होगी, है ना, जिस ढलान से हवा ऊपर चढ़ रही है। और इस हिस्से को जिससे हवा ऊपर जा रही होती है प्यारे बच्चों, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है ना मेरे पास, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, विंडवर्ड स्लोप। हवा जिससे चढ़ रही है, जिससे उतरती है, इसको क्या बोलते हैं, इस स्लोप को हम बोलते हैं लीवर्ड स्लोप, लीवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप में क्या होता है दोस्तों, विंडवर्ड स्लोप में अगर हम बात करें, ऐसे लाइन खींच दें तो हमें दिख गया सर यहां पर तो बारिश होती है, हाई रेनफॉल, यहां पर क्या होता है, हाई रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन व्हाट विल हैपन इन द लीवर्ड साइड, बताओ लीवर्ड साइड में क्या होगा भाई, हुआ होगा क्या, जो बारिश के पास, इसके पास मॉइस्चर था, इसने बारिश कर दी यहाँ पे, तो इधर रिलेटिविटी ज़्यादा थी, इधर आएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, है ही नहीं उसके पास पानी। नीचे से ऊपर भेज रहे थे तो क्या हो रहा था, तापमान घट रहा था, ऊपर से नीचे आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भाप वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा, इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। और इवेपोरेशन से क्या होता है, मैंने बताया था, वाष्पीकरण जब भी होता है कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ठंडक जब लगे आपको, मतलब जब आपको पसीना ना आए, चिपचिप ना होए, तो बारिश होने के कोई चांस नहीं है। बारिश से जस्ट पहले आपको चिपचिप महसूस होगी, बहुत भयंकर किस्म की, बहुत, क्योंकि मैंने बताया था ना उससे हीट रिलीज होती है, कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उसकी वजह से आपको गर्मी महसूस होती है। तो इसीलिए जब इवेपोरेशन होता है, तो जब इवेपोरेशन होता है देयर इज लो नो और लो रेनफॉल, कोई चांस नहीं बारिश के। तो इधर हाई रेनफॉल होता है, इसके दूसरे साइड में प्यारे बच्चों ये जो है, इस एरिया को हम बोलते हैं रेन शेडो जोन, हिंदी में बोलेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है सर। ये कहाँ होता है, क्या इंडिया में है ये, ठीक है, हाँ इंडिया में है भाई, कहाँ है सर ये बताओ, इंडिया में, मैं बता दूँ आपको या आप बताओगे, एक क्वेश्चन भी आया था ऐसे ही एग्जाम्पल के माध्यम से, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको समझने का एक लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ पर ये होता है, ये मेरे पास क्या है, इंडिया, सपोज दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा सुंदर सा भारत। और अगेन मैं बताया, जब भी आपको बोला जाए मैप बनाने के लिए, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाओ, ठीक है। अब देखो, इधर हमने को बताया जाता है क्या, कि ये जो हिस्सा है ना, इधर वेस्टर्न घाट है ना, इधर ईस्टर्न घाट है, और इधर है नीलगिरी की पहाड़ी। जब इंडिया का मॉनसून आता है बच्चों, वो दो भागों में बट जाता है, पहला कौन सा, पहला भाग इधर रह जाता है, ठीक है, इधर से, और दूसरा भाग जो होता है वो इसके इधर। तो हम इसको दो अलग अलग नाम दे देते हैं, क्या क्या, इसको नाम दे देते हैं
बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं अरेबियन ब्रांच। ठीक है, जब बारिश होती है, अब इससे संबंध में एक सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल ये है बच्चों आपसे? ठीक है, सवाल मेरा ये है, मुंबई इस पहाड़ के इधर है, वेस्टर्न घाट के इधर है, और एक इधर जगह है जिसका नाम है नागपुर, और इधर क्या है, मुंबई। आपको पता है मुंबई में बारिश होती है 300 सेंटीमीटर और नागपुर में होती है 70 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है आपको, महज 70 किलोमीटर का है। मतलब 70 किलोमीटर में ऐसा क्या हुआ कि 230 सेंटीमीटर बारिश का रेनफॉल का फर्क आ गया, बताओ आप। हाँ बिल्कुल सही बोला सर, बिकॉज ऑफ द लीवर्ड साइड, बिल्कुल सही बोला। होगा क्या, जब ये मॉनसूनल विंड इधर से जाएगी ना प्यारे बच्चों, इधर से वो इस हिस्से में भारी बारिश करेगी, भारी, ठीक है, भारी। लेकिन ये हिस्सा जो होगा ना, इसके इधर वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इट विल कम अंडर द रेन शेडो जोन। ये सारा हिस्सा किस में आएगा, रेन शेडो जोन में आएगा, यहां बारिश नहीं होती। यहां बारिश फिर किससे होती है, वापस आने वाले मानसून से या साइक्लोन से। तो ये हिस्सा क्या आता है, विंडवर्ड साइड में। तो समझ में आ गया क्यों बारिश कम होती है, बिकॉज ऑफ द लीवर्ड साइड। ये सवाल पूछा जाता है आपसे, और आई होप आज के बाद आप इस सवाल को नहीं छोड़ोगे, आप कर लोगे। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब एक चीज और बच गई मेरे पास, और वो है साइक्लोनिक रेनफॉल। प्यारे बच्चों देखो, साइक्लोन हो ना, वैसे साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। वैसे भी अभी आपको पता है साइक्लोन का सीजन चल रहा है, दो बैक टू बैक साइक्लोन आ गए अपने पास। ठीक है, चक्रवात ये है, बट मैं चक्रवात नहीं पढ़ा रहा, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल पढ़ा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं चक्रवातीय वर्षा। तो इसके लिए पहले तो आपको चक्रवात समझने पड़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए समझो साइक्लोन दो प्रकार के, पहला दूसरा। पहला जो साइक्लोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा साइक्लोन जो होता है वो होता है मेरे पास सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसको हम फ्रंटल रेनफॉल, इसको हम फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी नाम है। तो इसमें तो कॉन्सेप्ट अलग होता है बारिश का, इसमें किसकी वजह से होता है, इसमें बिकॉज ऑफ एयर असेंडिंग, जो अभी हमने पढ़ा ना, इसमें हवा के ऊपर उठने की वजह से बारिश होगी, और इसमें फ्रंट की वजह से। इसमें कैसे होता है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये तो अभी साइक्लोन वैसे दोनों ही आप बाद में समझोगे, बट बस मैं आपको साइक्लोन का बारिश का तरीका बता दे। उसमें तो हवा ऊपर उठेगी तभी होगी, तो ऊपर उठने की वजह से होगा एयर असेंडिंग। इसमें कैसे होता है, इसमें यूजुअली क्या होता है, दो अपोजिट और कंट्रास्टिंग एयर मास आते हैं। अपोजिट कंट्रास्टिंग एयर मास का मतलब क्या है, मान के चलो ये गर्म हवा थी, ठीक है, ये गर्म हवा थी, गर्म एयर मास था, और ऊपर से ये मेरे पास आ गया इधर से कूल्ड एयर मास, गर्म और ठंडा एयर मास मिले दोनों। बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूँ, वैसे इतना आसान होगा नहीं, कॉम्प्लिकेट होता है, वो हम बाद में ही पढ़ेंगे। ये हो गया मेरे पास क्या, दिस इज वॉर्म, ये जो है मेरे पास दिस इज वॉर्म एयर मास, और ये क्या है प्यारे बच्चों, कूल एयर मास। जहां मिलेंगे ना, यहां मिल रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम क्या, साइक्लोनिक फ्रंट। क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक फ्रंट। फ्रंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवातीय है वाताग्र। क्या बोलेंगे, चक्रवातीय वाताग्र। जहां चक्रवातीय वाताग्र बनेगा ना प्यारे बच्चों, ठीक इसके ऊपर बादल बनेगा, क्लाउड, और क्लाउड बन के क्या होगी, बारिश। यहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, यहां पर भी विंड क्या करेगी, आपका असेंड करेगी, लेकिन वो असेंड कैसे करेगी वो हमें यार जब हम पढ़ेंगे ना साइक्लोन तभी समझ में आएगा। तो वो तभी समझ में आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन। ठीक है, वो कब समझ में आएगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन। ठीक,
सो ये है हमारा टाइप ऑफ रेनफॉल, ये है हमारा वर्षा के प्रकार। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये बारिश थी, बारिश के प्रकार हमें पढ़ने थे, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो आप मेरे साथ अन अकेडमी पर जुड़ सकते हो, मेरा कोड रहेगा सुमित10, है ना। यहाँ पर भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, और मेरा कोड क्या है अगेन आपको पता ही है दोस्तों, सुमित10 इज़ माई